प्रश्नमाला 2A का अभी क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे, जो कि है सरल कीजिए। देखिए पहला है 7/9 + 11/12, तो ये भिन्न का जोड़ है, तो इसको हम पहले जो हर है दोनों का उसका लघुत्तम लेंगे, तो 12/9 का लघुत्तम होगा। देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 नहीं लग रहा है इसे, 12 तिया 36, 36 लगने लगा इसे, तो 36 इसका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बड़ा संख्या रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जिस भी और जो भी लग जाएगा दूसरे संख्या से तो वो उसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम। तो देखिए 9 चौक 36, तो सर 9 से इसको भागा देंगे तो 9 4 बार में आ रहा है, 9 चौक 36 4 बार में, और 4 से 7 में गुना करेंगे तो 7 चौक 28। यहाँ पे देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 3 बार में लग रहा है, तो 3 से 11 में गुना करेंगे, यानी 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 28 और 33 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 3 2 5 1 6, यानी 61/36। ठीक है, आप देखिए इसको भागा देंगे, 36 से 61 भागा देंगे तो आ जाएगा 1/25/36, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 61 को 36 से भागा देंगे तो 1/25/36 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा, ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे तो 7 चौक 28 1, तो ये दोनों गुना होगा, ये जुटेगा तो 7 चौक 28 1 29, तो 29/4 + 9 5 45 2 47/5, ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों गुना हो तो ऊपर वाला जुटता है, तो अब देखिए 5 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 5 4 का लघुत्तम होगा 20, तो 4 से कितना बार में 20 लग रहा है, 5 बार में, तो 29 5 हो जाएगा 145, तो यहाँ 145 लिख देंगे, प्लस 5 चौक 20, तो 47 चौक हो जाएगा 188। ठीक है, जितना बार में लगेगा नीचे वाला अंक से उतना ही बार में ऊपर से गुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 145 + 188 हो जाएगा 333/20, और इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 16/13/20, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, 5/6 घटाव है यहाँ पे 7/10। ठीक है, तो 6 10 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखिए 10 10 दूनी 20, 20 नहीं लग रहा है इससे, 10 तिया 30, 30 लग रहा है 6 से, तो 30 इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम, 6 5 30, 5 से लग रहा है तो 5 से ऊपर गुना होगा, 5 5 25, माइनस 10 तिया 30, तो 7 तिया 21, 10 तिया 30 3 बार में, तो 3 7 21, तो ये हो गया, 25 में से 21 गया तो 4/30, तो यहाँ 4/30 लिखेंगे। देखिए 2 से कट रहा है ये दोनों, तो 2 दूनी 4 15 दूनी 30, यानी इसका आंसर होगा 2/15। देखिए 4 में है 8/2/9 - 1/4/5, तो इसको पहले विषम मिश्रित भिन्न है, तो पहले विषम भिन्न में बनाएंगे, तो 9 8 72, 72 2 74, तो 74/9 - 5 5 4 9 9/5। अब देखिए 9 5 का लघुत्तम हो जाएगा 45, 9 5 45, ठीक है, इसका लघुत्तम हो जाएगा 45, 9 से 5 बार में, तो 74 5 होगा 370, तो यहाँ पे 370 लिखेंगे, 5 9 45, तो 9 9 81, ठीक है, 370 में से 81 घटाएंगे तो 289/45, और इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 6/19/45, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 6/19/45। ये देखिए पचमा में 2/2/3 + 1/5/8 - 1/11/12, तो मिश्रित भी ना, पहले इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6 2 8, यानी 8/3 + 8 8 5 13 13/8 - 12, अब 12 11 12 10 22 21, यानी 23/12। अब 3 8 12 का लघुत्तम कितना होगा, 12 का 12 12 दूनी 24, ठीक है, 3 8 24, देखिए 3 से 8 बार में 24 लग रहा है, तो 8 8 64 + 8 3 24, तो 13 3 39 - 12 2 24, तो 23 2 46। देखिए अब प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 3 9 1 10, तो 103 - 46/24 हो
हो जाएगा, प्लस प्लस वाला जोड़े हैं पहले। अब देखिए इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 57/24, यहाँ पे लिखेंगे 57/24। अब देखिए 3 से ये दोनों कट रहा है, 3 से 19 बार में, और 3 8 24, तो ये आ गया 19/8। और इसको हम पूर्णांक में बदला लेंगे, यानी भागा देंगे, तो 8 2 16, 16 3 19, तो 3 ऊपर जाएगा और जो 8 नीचे वो 8 नीचे रहेगा, तो 2 पूर्णांक 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए छठा में 10 -2 पूर्णांक 3/7 -5 पूर्णांक 3/4, तो मिश्रित ध्वन को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 10 माइनस देखिए 7 2 14, 15 16 17/7 -5 5 20, 20 3 23/4 ये हो जाएगा। अब देखिए 7 और 4 का लघुत्तम 28 7 28, तो यहाँ पे 28 से गुना हो क्योंकि यहाँ पे एक है कुछ नहीं है, तो 28 × 10 280 -7 4 28, तो 17 6 68 -4 7 28, तो 23 7 161। अब देखिए 280 माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस वाला को, तो 8 1 9 6 6 12 1 1 2, यानी 229, 280 -229/28, ठीक है ये 229 है, 229, तो 280 -229/28, 280 में से 229 गया तो ये आ गया 51 51/28, तो 28 से जब इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 1 पूर्णांक 23/28 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, 11 पूर्णांक 2/3 -7 पूर्णांक 4/9 -3 पूर्णांक 1/6 +4 पूर्णांक 11/18, तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 11 या 33, 33 2 35, 35/3 -9 7 63, 63 4 67, तो 67/9 -6 3 18 1 19, 19/6 प्लस देखिए 3 माइनस में 1 प्लस में, तो 18 6 72, 72 और 11, 72 10 82 1 83 / 18, ठीक है। अब देखिए 3 6 3 9 6 18, हर देखिए सबका 3 9 6 18 का लघुत्तम हो जाएगा 18, ठीक है 18 देखिए सबसे लग रहा है, तो 3 6 18, तो 35 6 हो जाएगा 210 -9 2 18, तो 67 2 134, 6 3 18, तो 19 3 57, 18 1 बार में 18, तो 1 × 83 83, ठीक है। अब देखिए 210 और 83 को जोड़ेंगे, देखिए प्लस में ये देखिए ये चिन्ह इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी कुछ नहीं है, तो प्लस में, तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, 210 और 83 कितना होगा 293, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस ये दोनों माइनस माइनस वाला नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 191, ठीक है / 18। अब देखिए इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 102, 102 आएगा घटाने में / 18। अब देखिए 6 से दोनों कट रहा है, 6 3 18, और 6 से 1 बार में 4 चार इधर आए तो 42 6 7 42, यानी ये आ गया 17/3, ठीक है। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 5 15 2 बचा 15 2 17, तो 2 यहां लिखेंगे और 3 नीचे है, तो 3 नीचे लिख देंगे, तो 5 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक एक स्टेप करके चलना है। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।